नमस्कार दर्शकों, होली पूरे भारत में मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का एक बड़ा त्योहार है जो देश के लगभग हर कोने में मनाया जाता है। लोगों द्वारा रंगों का यह त्योहार खुशियों की तलाश में बड़े ही धूमधाम के साथ हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता है कि भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। वहीं एक समय होलिका, जो प्रहलाद भक्त की सगी बुआ थी, अपने ऊपर अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को अपने घोड़ों में बैठाकर अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास किया था, जिसमें होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद भक्त की रक्षा भगवान विष्णु ने की। इस खुशी के प्रतीक के रूप में होली का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं लोग इस दिन खुशी के रूप में एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं और बांदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हैं। लेकिन कई बार सुनने में आता है कि ये खुशियां भी कई परिवारों में त्योहारों के दिन ही मातम में बदल जाती हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा है, ना जाने काल की कर डारे किस विधि ढल जा पासा वे, जिन्हादे सिरते मौत खुड़गदी उन्हानु केड़ा हांसा वे। तथा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद। सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। दर्शकों, वास्तव में हिंदू समाज भक्त प्रहलाद की वास्तविक कथा से भी परिचित नहीं है कि आखिर उनकी रक्षा किस परमेश्वर ने की थी। तो चलिए सबसे पहले आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्त प्रहलाद की वास्तविक कथा से परिचित कराते हैं। उधर से प्रहलाद भगत भी एक ऐसे पिता के जन्मा था जो कति नास्तिक और खुद भगवान बना बैठा था, लेकिन वो पिछले संस्कार का बालक था। कभी इसी जन्म में उसने भक्ति की थी, वो भक्ति की अब तभी तक कसक उसमें थी। राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर उसमें भक्ति की आस्था थी, तो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था। और उस पिछले पुण्य से ही उसकी कबीर परमात्मा ने ही नरसिंह रूप धारण करके उसकी मदद की थी। इन विष्णु वैष्णु का व्योत नहीं था। अब धीरे धीरे आपके प्रकाश में आएगी सारी कहानी। अभी तेने मूर्ख बना रखा था, हमने सिर्फ एक सटोरी सी बनाकर छोड़ दी थी, कथा सुना दी थी। प्रहलाद को क्यों बचाया, अन्य को क्यों नहीं बचाया कभी ऐसा? अरे यहाँ सबको बचाएंगे, जो जो नाम ले रहे हैं, तो तारे सामने दिखा दूंगा कितने रक्षा कर रहे हैं परमात्मा, पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं। अब प्रत्येक के साथ कर रहा है, वो पिछले जन्म के थे, अब ताजे और बना दिए हमने, अब इनसे भी साथ होगा भगवान, इनके प्रतिफल भी आपको देना शुरू कर देगा। तो प्रहलाद कच्चा पक्का था। प्रहलाद के पिता ने बचपन से तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु का पुष्प जैसे भी सुना ज्ञान किसी ऋषि से, नारद जी ने उसको गर्भ में शिक्षा दे दी थी जब वो गर्भ में था मां के, उसके आधार से वो विष्णु जी का पुजारी बन गया। और विष्णु का दुश्मन हिरण्यकश्यपु उसका पिता, उसने ब्रह्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत सिद्धि सिद्धि उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूँ, सुबह मरूँ ना शाम मरूँ। आशीर्वाद ले लिया, पशु से मरूँ ना पक्षी से मरूँ, अमर मान लिया अपने आप को। इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अब वो कुछ उसको क्या किया कि एक सांडा और मुर्का नाम के दो भाई थे ब्राह्मण, वो आचार्य थे, गुरु थे, जो उस प्रहलाद को और वहाँ के अन्य ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ा करते। ये खुद भी ब्राह्मण था हिरण्यकश्यपु, तो प्रहलाद को उनके पास भेज दिया कि तुम इनको पढ़ाओ और मेरे को भगवान इसके अंदर जचाओ। तो उस समय प्रहलाद कच्चा पक्का सा हो रहा था कि भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। रोज देखो एक झूठ ने 100 बार सुन ले तो वह सच्ची सी बन जाती है। इसी सच्ची थी में परमात्मा ने उसको फिर दृढ़ करना था। वो बिल्ली रो रही थी और कुमारी भी रो रही थी, और प्रहलाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं जान दिया क्यों रो रही है,
उस कुमारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप, बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है, बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में और किसी मटके में चले गए कच्चे में, अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था एक महीने में पक्या करता था, और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि एक महीने तक को छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्न होती है इसमें। तो माई ने उस प्रहलाद ने पूछा फिर आप कैसे रक्षा करोगी, कि भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुलाकर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जल में मर जाएंगे वो बेचारे, तो भगवान ही बचा सकता है। क्या माई भगवान, भगवान विष्णु जिससे भी भगवान है, यानी क्या माई भगवान इतना ताकतवर है कि वहां भी रक्षा कर देता है? कहां बेटा। हाँ महाराज, परमात्मा इसलिए कहते हैं। कहने लगा माई जब तुम ये आवा तुम्हारा पक जावे, तुझने पूछा क्या तुझे विश्वास है माई कैसा होगा? कहा मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। तो उसने प्रहलाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावे, ये किलन बट्ठे मटके पकाने का बट्ठा, उसको आवा बोलते हैं पूजा आवा, तो जब ये पक जाओ तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और यदि ये बच्चा जीवित पागे तो मैं भी इस भगवान के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी की भी, और नहीं तो माई खबरदार आज के बाद तूने राम का नाम यहां पर ले दिया, मेरे पिता का नाम दिया करो। उसका रंग चिट गया था थोड़ा सा, तुझे मालूम नहीं मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी मुझे मालूम है लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा। इस कारण से क्या हुआ, परमात्मा ने ऐसी अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई, वो तो लीला थी दाता की, 3 दिन के अंदर, पहले एक महीने में पकता था 40 दिन में, 3 दिन में आवा पक के तैयार हो गया और आग बुझ गई, कति ठंडी होगी। अब राजा के लड़के का आदेश था, जब प्रहलाद आया पाठशाला में जाने के लिए, कहा महाराज आज आवा मालिक की दया से 3 दिन में पक गया, आज हम इसको खोलेंगे। प्रहलाद वहीं बैठ गया, अब खोलो। वो निकाला, एक मटके में जिसमें वो बच्चे थे उसका अग्नि की आंच भी नहीं लगी थी, नू का नू कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। तो उस दिन से प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान ही कर सकता था, मेरा पिता यहां कोई का कोई रोल नहीं था, जब बेशक राजा है और बेशक ये भगवान कहता। तो उसके बाद सांडा मुर्का को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव आप गलत गाइड कर रहे हो, मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है, मैं उसी की भक्ति करूंगा। उसके बाद फिर पिता पुत्र की ठनगी थी, हाय हाय, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे, प्रहलाद पैज परवान करी थी, धर नरसिंह अवतारे, दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुछ उदर वेदारे, मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। गरीबदास साहेब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी जिला जजर हरियाणा में, ये किसान थे, जाट थे, खेतों में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे, 1500-1600 एकड़ जमीन थी,
और वहाँ अपने ही खेतों में पाली गए हुए थे, गौवें चरा रहे थे। वहाँ सतलोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आकर उतरे थे। वहाँ एक कुंवारी गायों का दूध पिया था दाता ने, कबीर भगवान ने अपने आशीर्वाद से कुंवारी गाय ने दूध दिया बछिया ने, और वो पिया था, वहाँ का दूध नहीं पिया था। फिर गरीबदास जी को प्रथम मंत्र देकर सतलोक लेकर गए थे, सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी, प्रहलाद ने तो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकश्यपु की नहीं करूंगा, बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और रणकशिप उधर विदारे, रणकशिपु के पेट पाड़ के आंत काट दी बार, नरसिंह रूप बना के। अपनात्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपके कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पैंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही बोगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा, ये फेड भी ना होता, फिर सदा एक सही रहेगा। जिसका प्रमाण परमेश्वर कबीर जी की समर्थता से परिचित होने के बाद आदरणीय संत गरीबदास जी ने दिया है। गरीब सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरणा कुछ जू मारूं नरसिंह धरूं साज। अर्थात संत गरीबदास जी ने बताया है कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में किसी जन्म में आया है और मुक्त नहीं हो पाया, मैं उसको मुक्त करने के लिए कुछ भी लीला कर देता हूं। जैसे प्रहलाद भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह रूप यानी मुख और हाथ शेर के, शेष शरीर नर यानी मनुष्य का धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा था। दर्शकों आपको बता दें, होली का त्योहार सत्ययुग के अंत में प्रहलाद भक्त की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की जाने के बाद प्रारंभ हुई। उस समय सत्ययुग लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुका था। उससे पहले तो यह त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे। इसलिए प्रतिदिन परमात्मा का शुक्र कई कई बार करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है उसे कोई सुख व लाभ नहीं होता है। अर्थात किसी भी तरह के त्योहार को मनाने का विवरण पवित्र गीता में नहीं है, जिससे होली के त्योहार को मनाकर खुशियों की आशा करना व्यर्थ है। बल्कि हमारे धर्मशास्त्र, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता, परमात्मा प्राप्त संतों की वाणी में कहा गया है कि पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की शास्त्रानुकूल भक्ति करने से सर्व सुख, पूर्ण शांति तथा पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 162 मंत्र 2-5, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 163 मंत्र 1-3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 व यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 आदि में यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर साहेब अपने सच्चे साधक के घोर पाप का भी नाश कर देता है, यहां तक कि वह परमात्मा मृत्यु होने पर अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है, तथा कबीर परमेश्वर ही सबका रक्षक है और संपूर्ण शांति प्रदान करता है। इस संदर्भ में सूक्ष्म वेद में भी कहा गया है, गरीब जम ज्वार राजा से डरे, धर्म राय धरे धीर, ऐसा सतगुरु एक है अदली असल कबीर। गरीब जम ज्वारा जा से डरें, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। दर्शकों आपको बता दें, वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की गुत्थी सुलझाकर परमात्मा की सतभक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे उनके लाखों करोड़ों अनुयायियों को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तथा लोगों को वेदों में वर्णित शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप बिना विलंब किए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर सुने और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कर जीवन को सुखी बनाए।
तब जाकर वास्तव में आप खुशी मना सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वेद में कहा गया है, समर्थ का शरणाग हो रघुरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में रहो, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता।